नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आप ही के अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, जब हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कभी कभार हुआ करता था 35,000 से भी ऊपर, कितना 35,000 से भी ऊपर हुआ करता था, और दोस्तों अभी उसकी प्राइस आ चुकी है लगभग 155 के आसपास। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। अभी बहुत लोग सोचते होंगे 35,000 के ऊपर था, 155 पे आ गया, इसका मतलब शायद से कंपनी के ऊपर या स्टॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा कर्जा होता रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये एक डेब्ट फ्री स्टॉक है, इसका मतलब 1 रुपये का भी कर्जा इसके ऊपर नहीं है। तो कौन सा है ये स्टॉक, क्या है स्टॉक का नाम, एक एक करके सारी बात स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट बस आप लोगों से एक ही दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के कंपनी के क्वार्टर के नतीजे, जो स्टैंड अलोन क्वार्टर के नंबर से जून 2019 को कंपेयर करके देखेंगे सितंबर 2019 के साथ। इसका मतलब सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों क्यू ओ क्यू, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे। तो अभी आप देख सकते हो नेट सेल 0.10 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा था कभी जून के क्वार्टर में, और सेप्टेम्बर के क्वार्टर में कितना है 0.00, मतलब कुछ नेट सेल्स हुआ ही नहीं है, इसका मतलब 100% लॉस। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो 0.03 करोड़ का नजर आ रहा था कभी जून के क्वार्टर में, और सितंबर के क्वार्टर में हो चुका है लॉस लगभग 0.06 करोड़ के आसपास का, मतलब यहाँ पे भी 300% का लॉस। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 0.03 करोड़ का नज़र आता था कभी जून के क्वार्टर में, जो दोस्तों अभी के क्वार्टर के बाद हो चुका है लगभग 0.04 करोड़ का लॉस, यानी यहाँ पे भी लगभग गिरावट 233% के आसपास की। उसके बाद फाइनली बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो आप देख सकते हो जून के क्वार्टर में हो करता था लगभग 30% का, जो अभी आ चुका है दोस्तों 0.00, मतलब यहाँ पे भी 30%, मतलब 30% का लॉस निगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे बिल्कुल भी, मतलब हल्के से भी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहे, इनफैक्ट लगभग सब कुछ खत्म होता हुआ यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये तो थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजे। अभी हम देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर स्टॉक के ईयर ऑन ईयर के नतीजे, मतलब क्या, मतलब एक साल में इंप्रूवमेंट है या नहीं, वो भी हमें देखना उतना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमें देखने पड़ेंगे इसी पर्टिकुलर कंपनी के क्वार्टर के एक साल पहले के ईयर ऑन ईयर के नतीजे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपके सामने डेटा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो जून 2019 के जगह आ चुका है सितंबर 2018, और उसको कंपेयर करेंगे सितंबर 19 के साथ। इसका मतलब हम देखेंगे वाई ओ वाई, मतलब ईयर ऑन ईयर के नतीजे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट सेल 0.43 करोड़ का हुआ करता था कभी पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर में, जो अभी हो चुका है जीरो, मतलब नो सेल्स, आप देख सकते हो 100% गिर चुका है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 0.39 करोड़ का हुआ करता था, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 0.06 करोड़ का लॉस, मतलब 115% की गिरावट। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो 0.39 करोड़ प्रॉफिट, मतलब कितना ओवरऑल लगभग 0.39 करोड़, और अभी कितना 0.04 लॉस करोड़ का, लगभग 110% निगेटिव। और फाइनली बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो आप देख सकते हो 90.70% का हुआ करता था एक साल पहले, जो अभी आ चुका है 0% के आसपास, मतलब लगभग 91% नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो बात चाहे हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नतीजों की या फिर ईयर ऑन ईयर के नतीजों की, नतीजे बिल्कुल भी अच्छे नज़र दोस्तों नहीं आ रहे। तो चलिए दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन स्टॉक के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो अभी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के कुछ वैल्यूएशन, जहाँ पे हम स्टैंड अलोन नंबर्स चेक करेंगे। तो मार्केट कैप स्टॉक का कितना नजर आ रहा है, मार्केट कैप नजर आते 4.88 करोड़ का। जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका भी मार्केट कैप इस पर्टिकुलर स्टॉक के कंपेरिजन में काफ़ी ऊपर होता है। इस स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी 150 के आसपास चल रहा है, लेकिन उसके कंपेयर में मार्केट कैप देख सकते हो 4.88 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। बात करें पीई की तो स्टॉक का पी चल रहा है फिलहाल 2.7 के आसपास का, और इंडस्ट्री पी चल रहा है 37.64 के आसपास, मतलब इंडस्ट्री पी के कंपेयर में स्टॉक का पी हद से भी ज़्यादा दोस्तों नीचे, ये चीज़ भी आप नोट करके चल सकते हो। बुक वैल्यू नज़र आ रहा है लगभग 138.37 रुपीज़ के आसपास का। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर नज़र आता है 57.38 का। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो नज़र आता है लगभग 1.12 का, और फेस वैल्यू अच्छा नज़र आता है 10 रुपये के आसपास। तो ये कुछ और एक इनिशियल नंबर्स थे जो आपको बताने थे, अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था और यूट्यूब के थंबनेल में भी लिखा था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बिल्कुल भी कर्जा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, उसका प्रूफ भी आपके सामने रखता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो बैलेंस शीट मैंने आपके सामने लगा के रखी है, और स्टैंड अलोन नंबर्स में भी आपको बताने वाला हूँ, मार्च 2018 और मार्च 2019 दोनों नंबर आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट कितना है, मार्च 2000 में भी डेब्ट फ्री था और अभी भी दोस्तों डेब्ट फ्री है, मतलब 1 रुपये का भी कर्जा इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर दोस्तों है नहीं, ये भी चीज़ आप नोट करके चल सकते हो दोस्तों। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा नजर आता है, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो स्टैंड अलोन नंबर, स्टैंड अलोन पैटर्न यहाँ पे हम देखने वाले, और सितंबर 2019 का अपडेटेड पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रमोटर्स यहाँ पे इसके मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नजर आते हैं, और इनका होल्डिंग लगभग 75% के आसपास के निकल कर आ रही है।
बात करें प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब प्रमोटर ने अपने कितने शेयर गिरवी रखे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1% शेयर प्रमोटर ने अपना गिरवी नहीं रखा। बात करें एफएस, एफएस की तो आप देख सकते हो जीरो होल्डिंग यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब एफएस जिनका फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने स्टॉक में कोई भी अपनी होल्डिंग बना के नहीं रखी है। बात करें टोटल डीएस की तो आप देख सकते हो 2.17% के आसपास की टोटल डीएस की होल्डिंग यहाँ पे फिलहाल नजर आ रही है। डीएस का मतलब होता है दोस्तों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इनमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं जो आप नीचे देख सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल होते हैं लेकिन यहाँ पे इनकी होल्डिंग नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी भी शामिल होती है लेकिन इनकी होल्डिंग में यहाँ पे नहीं है। एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड भी शामिल है लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी होल्डिंग अपनी बना के नहीं रखी है। और अदर डीएसएस में शामिल होते हैं जिनकी होल्डिंग लगभग नगर कर आ रही है 2.17% के आसपास, और फाइनली अदर्स जिनकी होल्डिंग आ रही है लगभग 22.83% के इर्द गिर्द। तो मुझे पता है बहुत लोग अभी काफ़ी इंटरेस्ट इस स्टॉक में दिखा रहे होंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 35,000 से 155 के आसपास आ गया, जिसके ऊपर कर्जा भी नहीं, लेकिन ओवरऑल नंबर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं वो नंबर्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, ये चीज़ भी आप नोट करके चले। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना वक्त गवाए इस स्टॉक का नाम क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टॉक का नाम दोस्तों दलाल स्ट्रीट करके आप देख सकते हो 155 के आसपास की दोस्तों इसकी मार्केट क्लोजिंग प्राइस है 6 दिसंबर की। स्टॉक अभी भी एक्टिव है, बहुत लोग को लगता रहेगा कि स्टॉक डिलिस्ट हो चुका है या फिर बिल्कुल नहीं, मैं आप इसका भी प्रूफ आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले स्टॉक का एक बार रिटर्न का प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये प्रोफाइल जब आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाने वाले, ये चीज़ भी आप दोस्तों नोट करके चले। तो सबसे पहले 5 दिन की रिटर्न हम देख लेते हैं। 5 दिन में स्टॉक ने आपका पैसा लगभग थोड़ा सा नीचे कर दिया है, 3.5% के आसपास की गिरावट। उसके बाद बात करते हैं 1 महीने की, तो 1 महीने पहले स्टॉक काफी हुआ करता था, आप देख सकते हो 175 का स्टॉक हुआ करता था, लेकिन अभी आ चुका है 154 के आसपास, और रिटर्न निकल कर आ रही है लगभग 11.5% निगेटिव। अभी 1 साल पहले स्टॉक किस वैल्यू पे हुआ करता था, तो आप देख सकते हो 1 साल पहले स्टॉक का वैल्यू देखो, देखिए एकदम ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, 621 रुपये के आसपास स्टॉक चल रहा था दिसंबर 2018 में, और दोस्तों अभी आ चुका है 155 रुपये के आसपास। मतलब अच्छे खासी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, अनबिलीवेबल दोस्तों। आप देख सकते हो 1 साल में लगभग 75% स्टॉक नीचे आ चुका है, यानी कि 1 साल पहले भी अगर किसी ने भी स्टॉक में निवेश किया होगा तो आज की तारीख में उसमें 100 में से 75 रुपये लॉस में चल रहे हैं, ऐसा आप दोस्तों मान के चल सकते हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे और 5 साल के रिटर्न की प्रोफाइल लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 5 साल पहले स्टॉक का वैल्यूएशन कितना था, 2014, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं बता रहा कि 2002 का स्टॉक, बिल्कुल नहीं, 2014 में स्टॉक का प्राइस चल रहा था 2267 के आसपास, और अभी आ चुका है 155। मतलब यहाँ पे तो भयानक गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। आप देख सकते हो 93% की भयानक गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है 5 साल में। और बात करें लॉन्ग टर्म में, मतलब जितना हो सके उतना लंबा चार्ट मैंने अभी आपके सामने लगा के रखा है, और यहाँ पे मैं दोस्तों 2 तरीके से आपको रिटर्न बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी प्राइस देखना 2006 में कितनी थी, 2006 में स्टॉक की प्राइस हुआ करती थी 292, और उसके बाद यहाँ पे कितनी थी 2011 में, तो आप देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 35,000 से आ गया 155 के ऊपर, लेकिन स्टॉक 35,000 नहीं दोस्तों 35,302 के आसपास से नीचे आ चुका है। अभी सबसे पहले इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल सबसे पहले एक कैटेगरी में चेक कर लेते, आप देख सकते हो 2005 से लेकर 2011 तक इस स्टॉक ने आपको मल्टीपेगर रिटर्न्स दिए थे जो थे लगभग 8,616% के आसपास के। उसके बाद स्टॉक की दशा तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, आप देख सकते हो उसके बाद तो स्टॉक लगातार सिर्फ वन साइड गिरावट आपको दे रहा है, और रिटर्न्स निकल कर आ रही है ओवरऑल 99% की। मतलब क्या, मतलब आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म, एक भी रुपये नहीं बचा है। देखिए ये 56 है, मतलब कुछ तो पैसे बचे आपके 44 पैसे के आसपास बचे, इन शॉर्ट कुछ भी पैसा आपको इस स्टॉक में नहीं बचा, सब मान के चल सकते हो। अगर इसकी ओवरऑल रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हो 2005 से अब तक की कैलकुलेशन करें तो लगभग फिलहाल 61% निगेटिव आ रहा है। देखिए स्टॉक मुझे आपको इसलिए बताना था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी स्टॉक बड़े लेवल से गिरता है उस स्टॉक में निवेश करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली स्टॉक के ऊपर मुझे 3 महीने पहले एक पर्टिकुलर पर्सन ने रिक्वेस्ट की थी, मुझे पता नहीं वो वीडियो देख रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे स्टॉक के बारे में पहले से भी पता था और मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं स्टॉक में, ऑब्वियसली बात है स्टॉक की गिरावट देखो दोस्तों, और स्टॉक में बिजनेस बचा ही नहीं, तो बिजनेस ही नहीं तो उस स्टॉक में निवेश करके क्या फायदा। अभी बहुत लोग मन में सोचते होंगे कि दलाल स्ट्रीट, तो ऑब्वियसली बात है सबको मालूम है दलाल स्ट्रीट मतलब क्या क्या चलता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी स्टॉक का बिजनेस क्या है, तो सबसे पहले आपको स्टॉक का सेक्टर भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हम रोजाना शेयर मार्केट के बारे में वीडियो बनाकर आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हो, आप देख सकते हो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का स्टॉक है। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो मनी कंट्रोल या कोई भी अलग साइड में जाकर आप देख सकते हो, और इसका ISIN कोड भी यहाँ पे लेके रखा है। तो दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट स्टॉक का नाम है, और सेक्टर जिस स्टॉक का है वो है दोस्तों फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का। अभी बहुत लोग सोचते होंगे स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है तो शायद स्टॉक डिलीट हो सकता है, यस बिल्कुल स्टॉक आने वाले समय में डिलीट हो सकता है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक मरा नहीं है। इसका मतलब क्या, अभी भी स्टॉक में दोस्तों जान बाकी है कोई, क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी डिलीवरी चल रही है।
रही है अभी डिलीवरी, ऐसे नहीं कि बहुत ही एकदम ज़बरदस्त चल रही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी स्टॉक में डिलीवरी चल रही है, इसका मतलब क्या, स्टॉक अभी भी एक्टिव है। तो उसका प्रूफ भी आपको बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो डिलीवरी पोजिशन का डेटा मैंने अभी आपके सामने लगा के रखा है, और ट्रेडिंग डेट मैंने सिलेक्ट किया 6 दिसंबर की, मतलब ऑब्वियसली बात है फ्राइडे की डेट मैं आपको बता रहा हूँ। आज की तारीख एक्चुअली 8 दिसंबर 2019 संडे का दिन है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो ऑब्वियसली बात मैं फ्राइडे का डेटा आपके सामने पेश करूंगा। और ये स्टॉक BSE का लिस्टेड स्टॉक है, तो आप देख सकते हो 6 दिसंबर की मार्केट क्लोजिंग के बाद का पूरा डेटा अभी मैंने आपके सामने लगा के रखा है। और एकदम ध्यान से रखना, क्वांटिटी की ट्रेडिंग कितनी है, सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब दो शेयर सिर्फ ट्रेड हुए थे, और उसमें डिलीवरी कितनी है, दो, मतलब दोनों के दोनों शेयर जिन्होंने भी बाइंग लगाई थी उन दोनों को मिल चुके हैं। और बात करें डिलीवरी की, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों 100% की डिलीवरी स्टॉक में आपको देखने को मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से 100% की डिलीवरी कुछ भी काम की नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों यही था वो स्टॉक जिसके बारे में आज बताना था, क्योंकि देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक दोस्तों नजर आ रहा है, 35,000 के ऊपर स्टॉक हुआ करता था, लेकिन देखिए अभी स्टॉक की दशा क्या हो चुकी है। इसीलिए मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी आप स्टॉक में निवेश करते हो, सबसे पहले आपको स्टॉक का बिजनेस, स्टॉक की ग्रोथ भविष्य में कितनी हो सकती है वो आपको देखना है, फिर चाहे स्टॉक 1 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, 1 लाख का हो या 1,000 का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक का बिजनेस चलेगा तो स्टॉक चलेगा, स्टॉक का बिजनेस खत्म तो स्टॉक भी खत्म, ये भी चीज़ आप नोट करके चल सकते हो, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इसके ऊपर सूट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आई पे वीडियो आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।